क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी. ठीक है, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन. ओके, इसमें क्या दिया आपको? इफ इफ अ ड्राइवर इफ अ ड्राइवर टेक्स इफ अ ड्राइवर टेक्स 1 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स ओके कॉमा हाउ मेनी मीटर्स विल द कार ट्रैवल once the driver applies the brakes traveling at 40 किलोमीटर पर आवर. बहुत आसान सवाल. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? एनीबडी? ओके, चलो. ओके, 100/9. तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपसे कह रहा है कि एक ड्राइवर ब्रेक मारने में 1 सेकंड लेता है. तो अगर उसको गाड़ी रोकनी होगी तो 1 सेकंड तो लेगा वो ब्रेक मारने में. तो 1 सेकंड में गाड़ी कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ जाएगी ना, ट्रैवल कर जाएगी. वो कितना मीटर ट्रैवल करेगी, दिस यू हैव टू कैलकुलेट. और उस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट कन्वर्ट दिस स्पीड इंटू मीटर पर सेकेंड और आपका आंसर वहीं पर आ जाएगा. बस ये यूनिट कन्वर्जन का है. तो 40 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, छोटी यूनिट में चेंज करना है. छोटे नंबर से, छोटा नंबर इज 5/18 और 18/5. छोटा नंबर इज 5/18, आई हैव टोल्ड यू. सो दिस विल बी 40 × 5/18. ये आ गया मीटर पर सेकेंड. ओके, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे 2 से तो 220 × 9, दिस विल बी 100/9 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज़ द स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड. और ये स्पीड हमें क्या बताती है? ये स्पीड हमें ये बताती है क्या मतलब होता है 100/9 मीटर पर सेकेंड का. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ 40 किलोमीटर पर आवर की का मतलब क्या है? इसका मतलब गाड़ी, कोई भी गाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. ओके, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही है. उसी तरीके से 100/9 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि गाड़ी 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रही है? 100/9 meters ट्रैवलिंग इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड तो उसको लग रहा है, तो गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी? 100/9 meters. ओके, सो अ कार ट्रैवल्स 100/9 meters इन 1 सेकेंड. और 1 सेकेंड के हिसाब से क्यों निकाला हमने? क्योंकि उसने ड्राइवर को 1 सेकेंड ही लगता है. सपोज अगर 2 सेकेंड्स के लिए पूछा होता तो हम लोग इंटू 2 कर लेते, 200/9 meter आ जाता. 3 सेकेंड्स के लिए पूछा होता इंटू 3 कर लेते. ओके, वेरी इजी.